नमस्कार जी, आज हम बात करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में। ये शब्द बैलेंस स्कोर कार्ड आपने अपने मैनेजर्स लीडर्स से कई टाइम सुना होगा, कई बार आपने हमारे मुंह से इस शब्द को सुना होगा बैलेंस स्कोर कार्ड। और ये जो आपका टीम कार्ड है जो ऑलमोस्ट हर ट्रेनिंग में बार बार निकल के बाहर आता है, इस पर भी पीछे साफ साफ लिखा है बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में। तो आइए आज इस बैलेंस स्कोर कार्ड को समझेंगे। आपका जो चौथा सेवा मूल्य है टीम कार्ड में से, चौथा सेवा मूल्य, मैं KCCO के महत्वपूर्ण सफलता कारकों पैसा, लाभ, ग्राहक, अतिथि और कर्मचारियों को प्राप्त करने में पूरी भूमिका को समझता हूँ और निभाऊंगा। ये जो चौथा सेवा मूल्य है ये भी बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में ही बात करता है। तो आइए बैलेंस स्कोर कार्ड को ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1990 के दशक में डॉक्टर नॉर्टन और डॉक्टर कैपलन दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड को जन्म दिया। उससे पहले जो भी कंपनियां चलती थी उनमें होता था कि भैया धंधा कितना करना है, पैसा कितना बनाना है, प्रॉफिट कितना बनाना है, उनको सिर्फ धंधे से मतलब था। पर नॉर्टन और कैपलन ने ये देखा कि सिर्फ धंधे पे फोकस रखना कि भाई पैसा आ रहा है काफ़ी नहीं था। धंधे के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे ग्राहक, क्या हमारे ग्राहक खुश हैं कि नहीं, जैसे हमारी टीम, जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो खुश हैं कि नहीं, वो अपना काम ढंग से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या हम अपने काम को प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर से चला रहे हैं, तो बैलेंस स्कोर कार्ड ने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जैसे कि लाभ हानि या रेवेन्यू, धंधे के साथ साथ ऐसी कुछ चीज़ों को भी जोड़ा जैसे कि ग्राहक का सेटिस्फैक्शन, टीम का सेटिस्फैक्शन और उनकी डेवलपमेंट, प्लस इंटरनल प्रोसेसेस जैसे कि ऑडिट्स, साफ सफाई, हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, चाहे वो किचन में हो, रेस्टोरेंट में हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो एक ओवरऑल 360 डिग्री की अप्रोच है जिसमें धंधे के, बिजनेस के सभी पहलुओं को बैलेंस किया जाता है। अगर हमारे ग्राहक बेहद खुश हैं पर हम पैसा नहीं कमा रहे तो ऐसे धंधे का क्या फ़ायदा। अगर हमारे स्टाफ बेहद ना खुश हैं और हम पैसा कमा रहे हैं, ऐसे धंधे का भी क्या फ़ायदा। तो अगर आप ओवरऑल देखें, बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब है बैलेंस, आपका जो स्कोर कार्ड है, जैसे फुटबॉल के मैच में स्कोर होता है, एक टीम का गोल नंबर एक हुआ, दूसरी टीम का गोल जीरो है, फिर पहली टीम ने एक और गोल मारा, दूसरी टीम ने भी एक गोल मारा, अब हो गया स्कोर 2-1। तो ये जो स्कोर कार्ड है इसको जब हम बैलेंस करते हैं कि हमारे ग्राहक भी बराबर खुश रहें, हमारी टीम बराबर खुश रहे, हम अपने धंधे को फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में पैसा बना पाएँ और धंधे को बढ़ा पाएँ, प्लस जो हमारे तरीका है काम करने का, ऑडिट्स, प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड्स, वो सब भी वेल मेंटेन रहें और हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते रहें, तो ये होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है साहब, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें और जानना चाहें तो गूगल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बैलेंस स्कोर कार्ड को लेके। और आपका सेवा मूल्य नंबर 4 और आपके टीम कार्ड के पीछे बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में साफ साफ शब्दों में दे रखा है। बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ साथ आज आपसे एक और चीज़ की बात करना चाहेंगे 2 से 3 मिनट लेते हुए। बैलेंस स्कोर कार्ड जैसे एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का, उसे हम कहते हैं OKR। O से ऑब्जेक्टिव्स, KR से की रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। तो ये जो OKR नाम का फुंतरू शब्द है ये बहुत जल्दी हम सभी को और ढंग से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी KCCO ग्रुप के सभी रेस्टोरेंट्स और सभी डिपार्टमेंट्स OKR के हिसाब से काम करेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड को ही एक कदम आगे लेके जाएंगे OKR के माध्यम से। बैलेंस स्कोर कार्ड दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, वैसे ही OKR भी, जो बैलेंस स्कोर कार्ड जैसा ही कुछ है पर थोड़ा से बदलाव के साथ, भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, गूगल, इंटेल, माई फिटनेस पैल, जूम, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो OKRs का इस्तेमाल करती हैं और बहुत फ़ायदे में रहती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हुआ आपका गोल कि हमें पहुंचना कहाँ है, जैसे कि हमें अपने धंधे को बहुत बढ़ाना है, या हमें अपने प्रॉफिट को बहुत बढ़ाना है, या हमें अपने टीम को बहुत खुश रखना है, उनको डेवलप करना है, ये तो हो गया आपका गोल या ऑब्जेक्टिव। और की रिजल्ट्स होते हैं कि वो धुरंधर ऑब्जेक्टिव या गोल हम पाएंगे कैसे। टीम को बहुत आगे बढ़ाना है और खुश रखना है तो पहला की रिजल्ट,
हर महीने टीम को हम कम से कम 5 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। दूसरा की रिज़ल्ट, हम टीम को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे। तीसरा की रिज़ल्ट, हम टीम के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे टीम में मोटिवेशन रहे और खुशी रहे। ऐसे कई तरह के की रिज़ल्ट्स कि हम उसको बड़े गोल को, बड़े ऑब्जेक्टिव को कैसे पाएंगे, उसके जो कदम होते हैं वो की रिज़ल्ट्स में आते हैं। तो आज हमने बात करी बैलेंस स्कोर कार्ड की, जो 1990 के दशक में बहुत सारी कंपनियों ने अपनाया और अपनी कंपनी को 4 चांद लगाए, और जो हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे KCCO ग्रुप के सभी आउटलेट्स में, वो होगा OKR, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड से मिलता जुलता है पर थोड़े फ़र्क के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ हम उसको लागू करेंगे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में और सीखिए, समझिए, और OKR का थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय।